आज हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 19 में टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के अंतर्गत एक एक्सरसाइज का एक्सप्लेन करेंगे और उसको ड्रा करके भी बताएंगे। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है ड्रा द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द हेक्सागोनल पिरामिड विद बेस ऑफ 50 mm साइड्स एंड एक्सिस 120 mm लॉन्ग resting on horizontal plane with two sides of base are parallel to the vertical plane. It is cut by two section planes as shown in figure. तो हमारा ये hexagonal pyramid है जिसकी दो साइड, ये साइड और ये साइड parallel to the vertical plane या XY reference line, और इसकी हाइट पिरामिड की 120 mm है, और ये एक कट बाय टू सेक्शन प्लेन, एक प्लेन कट कर रहा है थ्रू द एक्सिस विच इज वर्टिकल टू द वर्टिकल प्लेन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला प्लेन, और सेकंड प्लेन आफ्टर मिडिल, ये अप टू मिडिल तक कट कर रहा है पहला वाला प्लेन मिडिल ऑफ द एक्सिस, और इसके बाद ही सेकंड प्लेन जो है इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये कट कर रहा है इस प्रकार से, ये देखिए। तो इसका हमको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ड्रॉ करना है। तो हम जैसे पहले का तैयार है, हमने ये पहले हेक्सागोनल हेक्सागोन ड्रॉ किया और उसको वे 120 जैसे आपको मालूम ही होगा ये हेक्सागोन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया इस प्रकार से, ये दो साइड्स पैरेलल टू द एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन, और इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6, ये सेंटर है ओ, और ये जो है इसकी सेंटिंग एजेस हैं, ये सेंटिंग एजेस हैं। तो हमने ये एक्सिस को ऊपर प्रोलोंग किया, इन सबको प्रोलोंग किया, तो एक्स वाई पर जैसे वन है तो 1-2-3-4-5-6 से पीछे दिखा दिया, तो ये हमारा नंबर आ गया, और ऊपर एक्सिस जो 120 mm पर O- आया एपेक्स हमारा इसका, और इनको ये जो हमने मार्किंग किया इसको सरेंडिंग एजेस को हमने इससे मिला दिया। अब एक्सिस हमने जो है ये एक्सिस फर्स्ट प्लेन जो है कट कर रहा है वर्टिकल वर्टिकली टू द वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन और अप टू द मिडिल यानी 60 mm हाइट तक ये कट कर रहा है एक्सिस को, और इसके बाद ये सेकंड प्लेन जो है आफ्टर मिडिल ऑफ द एक्सिस ये हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है, ये इस प्रकार हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है। तो जो कटिंग कट कर रहा है इसको नाम हमने यहाँ दे दिया स्टार्टिंग ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश, और ये डी डैश, और ये इधर पे ई डैश, और ये एफ डैश, और ये नीचे जी डैश, तो इस प्रकार से इनका नंबरिंग कर दिया और हमने वापस इसको मेजर किया। ये पहले हमने इसको डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट हेक्सागोनल पिरामिड को किया, तो ये हमने इसको मेजर किया, ये इसको मेजर कर लिया इस प्रकार से O-1 मेजर किया, और ये आर्क हमने ये लगा लिया इस प्रकार से, ये आर्क है ऐसा लगा लिया, ये देखिए ये आर्क लगा लिया, और ये ईच साइड 50 mm की है, तो इस साइड के बराबर हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया इसको, ये ईच पार्ट जो है ये डिवाइड कर लिया जो ईच साइड ऑफ द हेक्सागोनल पिरामिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 और वापस 1, और इसको हमने मिला दिया इनको, ये इसको ये फर्स्ट और सेकंड को मिला दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये इस प्रकार से ये मिला दिया ये। अब हमने ये सबसे बड़ा ये है कि ये जो है कटिंग प्लेन जो कट कर रहा है ये, अब देखिए यहाँ पर ये 2 और 3 के बीच में कट कर रहा है मिडिल में ए,
टू थ्री के बीच में मिडिल ये पॉइंट मार दिया, ये कैपिटल ए मिल गया हमको, और फिर हमारा ये इधर एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है एक्सिस, तो मिडिल से ये एक्सिस ये है, मिडिल से ये एक्सिस जा रहा है, तो एक्सिस हमने यहां से ड्रॉ किया, एक्सिस एडिशनली एक्सिस ड्रॉ किया, ये ओ ए ड्रॉ किया और इसको मेजर कर लिया ओ डैश से बी डैश, क्योंकि ये टू लेंथ में नहीं है, तो इसको जो हमने ये हमारा जो ऑलरेडी सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लेन कट कर रहा है, यानी ओ डैश डी डैश, तो सारी डिस्टेंस जो है हमारी ओ डैश डी डैश के बराबर होंगी। यहाँ पे ये आप देख इस पे गौर करना, तो ओ डैश डी डैश के बराबर, क्योंकि ये ट्रू लेंथ है ये, तो इस पे जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया या कटिंग प्लेन है सेकंड वाला जो जहां पर कट कर रहा है ओ डैश, ओ डैश और डी डैश को उसके बराबर ही ट्रू लेंथ आ जाएगी, तो ओ डैश बी डैश भी उसके बराबर आ गया, ये आ गया यहाँ पर, और फिर ये थ्री पर, थ्री और फाइव पर भी वही आएगा, थ्री और ये फाइव प्रोजेक्टर भी वही आएगा, और फिर हमारा ये ओ डी ये भी मेजर के फोर पर भी हमारा वही सेम आएगा, तो मेजर ये मार्क कर लिया, तो हमारे ये पॉइंट ये जो पीछे साइड में जो ये आएगा फाइव और सिक्स के बीच में, फाइव और सिक्स की मिडिल में ये कट कर रहा, देखिए फाइव सिक्स के बीच में मिडिल में ये कट कर रहा है, तो ये फाइव और सिक्स से मिडिल पॉइंट जी आ जाएगा हमारा, और ये जो जनरेटर है एफ जो है ये वाला, तो ये हमारा जो कौन से जनरेटर पर है, ये इसी के ऊपर है अपना एक्सिस के ऊपर, तो एक्सिस जो ड्रॉ की हमने ये एफ यहाँ आ जाएगा इसी के ऊपर, और इसके नीचे ये जी आ जाएगा, यहाँ एफ है ऊपर और नीचे जी है, इस प्रकार से आप इमेजिन करिए, तो ये हमारा जो इस प्रकार से हमारा ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ ए हेक्सागन नल पिरामिड विच इज कट बाई दी टू कटिंग प्लेन विच वन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन हॉरिजॉन्टल वी पी एंड एच पी एंड सेकेंड प्लेन और एंड इट कट्स फ्रॉम बिटवीन इट बिटवीन बेस अप टू द मिडिल ऑफ द एक्सिस और आफ्टर मिडिल ऑफ एक्सिस कट बाय अनदर सेकेंड कटिंग प्लेन विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल टू द वर्टिकल प्लेन, तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हुआ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा और जो हमने बताया उसको गौर से सुने, उसको आप ड्रॉ करें, इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये इसका इजी लगेगा, तो आपको ये हमारा ये जो हमने ड्रॉ किया है डेवलपमेंट ऑफ सर्फेस, तो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालें आपको तत्काल जानकारी मिले, और स्टूडेंट को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, और इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो ईजीली वो हल कर सकते हैं। ओके थैंक्स।